और ये यार देख कितना बड़ा वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आए हुए हैं भोपाल के वन विहार में। ये देख सकते हैं आप, हम लोग साइकिल से जा रहे हैं। पीछे का व्यू देखो मेरे, कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद साइकिल चलाई है, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो यहाँ के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। वन विहार है यहाँ पे, जो भोपाल की अपर लेक है उसके अंदर पड़ता है। टिकट हमें लगी है यहाँ पे, कितनी लगी टिकट? टिकट थी 20 रुपये पर पर्सन, और ये साइकिल का लगा हुआ है 10 रुपये पर घंटा। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ पे बाइक पे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे साइकिल से मजे लिए जाए, क्योंकि साइकिल से जो व्यू है वो अल्टीमेट दिख रहा है। और पीछे देखो मेरे, पूरी ग्रीनरी दिख रही है। राइट साइड मेरे लेक है और लेफ्ट साइड ये पूरा पहाड़ है। तो साइकिल से कैमरा पकड़ने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही है। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है, एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ। वन विहार बेसिकली एक नेशनल पार्क है, जो कि इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे जानवर थोड़ी खुले में घूमते हैं और ऑलमोस्ट सारे जानवर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये बस 4 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना, 4 या 5 किलोमीटर होगा। हाँ, मैं 5 किलोमीटर ही है। यहाँ पे है गौर, देख वो जो दिख रहा है ना, वही स्वर्गेश्वर में था। हाँ, वही तो मैं बता रहा कि ये जानवर तो अपने देखे हुए हैं वैसे। तो अगर आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें जो जानवर हमने दिखाया था वो था गौर। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से, ओपनली घूम रहे थे वहाँ पे। तो ये जगह पिकनिक मनाने के लिए भी अच्छी है। आप अपना पूरा खाना पीना यहाँ पे ला सकते हैं और इतने बेहतरीन व्यू के सामने बैठ के खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। ये चीता पैंथर, आजकल लगता है दिन ही बेकार है, कोई जानवर देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है बारिश में अंदर बैठे होंगे गीले वीले होने की वजह से। पहले भालू भी नहीं दिखा, अब ये तेंदुआ भी नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये जो पूरा जाल बना है, एक बार तो मैंने देखा था जाल के ऊपर चढ़ा था चीता, ऊपर तक चढ़ जाता पता है। तो ये तेंदुआ का बाड़ा है, दिख रहा है क्या? ये क्या है, ये जो एरिया है ये काफी बड़ा एरिया है। तो ये रोड के किनारे किनारे है, लेकिन इसके पीछे भी काफी जंगल है। तो शायद पीछे घूम रहे होंगे वो। और एक और चीज, अगर नेशनल पार्क में आते हो यहाँ पे, तो ये सारे जानवरों के बारे में डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जानवरों के बारे में डिटेल लिखी हुई है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, कुछ तो दिखेगा। तो अभी तक हमें आधा घंटा हो चुका है और अभी तक तो कोई जानवर हमें दिखा नहीं। आगे चल के देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉप होगा टाइगर। तो आई होप टाइगर तो देखने को मिलेगा कम से कम। अगर टाइगर भी देखने को नहीं मिला तो फिर आना वेस्ट हो जाएगा। मिलेगा, बी पॉजिटिव। फाइनली नेक्स्ट स्टॉप आ चुका है टाइगर। आई होप टाइगर तो देखने को मिले कम से कम।
भाई टाइगर नहीं यार, होता तो भीड़ लगती। अभी नहीं मिलेगा क्या? और एक बार ट्राई मारते हैं, दिखता है तो ठीक है। यार टाइगर नहीं है क्या? मजाक हो रहा है यार, कुछ भी नहीं दिखा अभी तक तो। भाई टाइगर भी नहीं है, मतलब हम लोग आए क्यों हैं? है तो टाइगर यार, एक मैं हूँ और एक ही है। टाइगर अभी जिंदा है, देखो ये येलो कलर की अपना वो भी बना हुआ है, उधर दिखा जाए। किधर है? वो लेटा है, वो लेटा है। दिख गया भाई, दिख गया, दिख गया टाइगर, दिख गया। रुको आपको दिखाता हूँ मैं, रुको यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे से दिखाऊंगा। ये सामने देखना, ये जो पेड़ है ना, इसके पीछे आपको दिखेगा। जूम जूम जूम, दिखा क्या? ये रहा, दिखा? एक मिनट यार, ये कैमरा स्टेबल नहीं हो रहा है। ओके अब देखो ध्यान से, सो रहा है, दिखा क्या? तो फाइनली टाइगर हमें दिख चुका है। अभी मैं कोशिश करता हूँ आगे से उसे देखने की, अगर दिखता है तो अच्छी बात है। यहाँ से काफ़ी अच्छा शॉट आने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो रहा है, तो यहाँ से एक बार कोशिश करते हैं शॉट लेने की। सो रहा है। ये देखो सामने दिखा क्या? अभी मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये रहा टाइगर, पर सो रहा है यार ये। तो वाइट टाइगर हमने अभी सोता हुआ तो देखा है, आते टाइम पे देखेंगे अगर टाइगर उठ जाता है तो वो सीन भी आपको दिखाएंगे। इस टाइप से पूरी रेलिंग लगी हुई है यहाँ पे, और बीच में एक गड्ढा भी है जिससे कि टाइगर आपके पास नहीं आ सकता है। तो सिक्योरिटी का काफ़ी कुछ ध्यान यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से पट्टी बनाई गई है जिससे कि टाइगर इसके ऊपर नहीं चढ़ पाता है, और यहाँ पर खड़े होकर आप देख सकते हैं। साइकिल हमारी काफ़ी दूर रखी थी, टाइगर के चक्कर में हम लोग पैदल पैदल आ गए हैं, तो चल के साइकिल उठा लेते हैं और फिर आगे कुछ और जानवर हैं वो देखते हैं। उसके बाद अगर टाइगर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा तो फिर आके वो भी देखते हैं। इसके अंदर सांप है, अब मैं आपको जूम करके कुछ शॉट दिखाता हूँ। ये हमारी रामकली, और तुम्हारी कौन सी है? मेरी वो कड़ी भाई, कोने में इसकी ये कड़ी शर्मा रही है। ये मेरी राम प्यारी है। तो मगरमच्छ हमें दिख चुका है, जूम करके आपको शॉट दिखाता हूँ।
देखा क्या? बहुत बड़ा है बेटा। कहाँ है? मगरमच्छ है। लेकिन ये है तो घड़ियाल का केबिन। तो यार एक मगरमच्छ दिखा है, बहुत बड़ा है। तो फाइनली काफ़ी देरी के बाद हमें कुछ बड़ा देखने को मिला, एक जाइंट मगरमच्छ। बहुत बड़ा था यार, जंबो साइज का, लगभग 10-12 फीट का होगा ना। 10 फीट लगा था ना, 10 फीट लंबा था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है बर्ड सेंचुरी, जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की बर्ड्स देखने को मिलेंगी। देखते हैं मिलती है कि नहीं। अगर आप पीछे पेड़ के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलते चलते हम लोग वन विहार के दूसरे हिस्से तक आ चुके हैं। ये देखिए रोड आगे जाके एंड हो जाता है और यहाँ से भी एक एग्जिट गेट है। अगर आपको निकलना है तो आप बैरागढ़ वाली रास्ता पे यहाँ से निकल सकते हैं। और पीछे जहाँ से हम लोग आए हैं 5 किलोमीटर साइकिल से, वहाँ से भी एग्जिट करने का एक रास्ता है। तो आगे बस एंड है, एक गेट है और एक म्यूज़ियम है। तो म्यूज़ियम हम आपको फिर कभी दिखाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से वापस होते हैं और अगर शेर का कुछ सीन दिखता है तो शेर का सीन भी आपको दिखाते हैं। पानी आ रहा है हल्का हल्का, पानी स्टार्ट हो चुका है और पूरा वन विहार ख़त्म हो चुका है। टाइम कितना हो चुका होगा? टाइम हो गया अभी 6 बज गया। 6 बज गया है, लगभग 3 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी जब यहाँ घूमने का प्लान बनाएं तो कम से कम 3 से 4 घंटे कम से कम निकालें केवल वन विहार के लिए। अब पानी आ रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पर। तो एक बार हालत देख लो यार, पूरे गीले हो चुके हैं हम लोग। पूरा यार देखो, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ गीला हो चुका है। और वन विहार घूम के हम लोग आ चुके हैं। एक्चुअली वहाँ पर शूट हम लोग इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगा था। तो अभी हम लोग रास्ते में यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ से अब सीधे जा रहे हैं घर की तरफ। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस था वन विहार का? मज़ा आ गया। लास्ट में लौटते लौटते हमें सारे जानवर दिख गए। तो अगर आप भी भोपाल में रहते हो और वन विहार नहीं देखा है तो आप आ सकते हो। सबसे अच्छा टाइम रहता है मानसून का टाइम, उसके बाद अगर आप ठंड में आते हो तो उस टाइम पे भी आपको सारे जानवर देखने को मिलेंगे। तो अभी बारिश में गीले हो चुके हैं, घर जाते हैं, पहले चाय पीते हैं, है ना। और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है, अभी तक आपने ब्लॉग देखा हुआ है, तो क्या करना है, लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब कर लो यार। आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।